इस वीडियो में गाड़ियों का प्रयोग किया गया है, कृपया ध्यान से देखें एंड हेडफोन लगा ले वरना कहीं से भी चप्पल आ सकती है। गौर से देख इस मासूम डॉग को, बेचारे इसकी क्या गलती थी यार, मतलब क्या। अब देखो ये नहीं तो बोल सकता है नहीं कुछ कह सकता, बिल्कुल मासूम सा है एंड इसका जन्म यहाँ पर 2023 के अंदर ही हुआ है, यानी कि 5 महीने का ही है। क्या बात कर रहे हैं, एंड लिटरली 5 महीने के यार, 5 महीने के डॉग पर इतना अत्याचार कौन कर सकता है। ए, उठा ले रे देवा। जी हाँ, कर सकता है एक ऐसा महान खलनायक जो अपने आप को यहाँ पर मसीहा, गॉड, भगवान, अल्लाह सब कुछ मान सकती है, सब कुछ समझता अपने आप को। उसने खा खा कर अपना पिछोड़ा फुला रखा है, क्यों? क्योंकि इस डॉग को मारने के लिए। कौन है, कहाँ से आते हैं ये बंदा? अपना पिछोड़ा इसलिए फैला रखा है क्योंकि वो डॉग को मार सके। इसने यहाँ पर 5'6" की हाइट इसलिए ले रखी है क्योंकि इस डॉग को मार सके। हाँ, इस मासूम डॉग को ये अत्याचार कर सके, नल्ला साला। क्या रे फटेले कॉन्डम के नतीजे। हाँ देखो यार, मैं थोड़ा बहुत भटक गया हूँ, बिकॉज किसी को गलत बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, बट यार देखो अंदर से खड़ास है भाई, मेरे भाई इतने खतरनाक गुस्सा आ रहा है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ, वही मुझे पता है कैसे कर रहा हूँ मैं। वेल, इतना इंटरव्यू काफी है इस वीडियो के लिए। एंड हाँ, ये वाली वीडियो होने वाली स्टोरी टाइम वीडियो, बहुत दिनों से मैंने यहाँ पर एक भी स्टोरी कवर नहीं किया, तो मैं सोचा चलो ये स्टोरी कवर करते हैं, एंड ये वाली स्टोरी कल रात को ही घटी। तो और क्या, बस शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। अब देखो यहाँ पर मैं एक एनिमल लवर हूँ, मुझे खुद को यहाँ पर जानवर पालना एंड जानवर रखना काफी अच्छा लगता है, आई लाइक इट एनिमल्स, और स्पेशली यहाँ पर डॉग्स। अब देखो ऐसा है कि मेरा डॉग्स का कनेक्शन काफी पुराना है भाई, तो पिछले कई साल से हमारे घर पर कोई भी डॉग्स नहीं था, हमने डॉग्स नहीं लाया, बट इस साल के अंदर ना 2023 के अंदर यहाँ पर एक डॉग्स हमने पाला एंड उसकी खातिर करने लगे, अच्छा डॉग्स था वो। अब देखो यार, डॉग्स तो पेट डॉग नहीं था, ये हमारा फैमिली मेंबर की तरह था यार, लेकिन आपको पता है कि डॉग्स तो डॉग्स होते हैं यार, इन्होंने घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है, और किसी भी डॉग्स को देख लो भाई, एक जगह डॉग्स कभी भी नहीं बैठता है, उसको बस घूमना पसंद है, घर घर जाना पसंद है यार। एंड जैसे हमारा ये वाला डॉग किसी पड़ोसी के घर जाता है ना, तो भाई उसके साथ इतना खतरनाक भाई वो बिहेव करते हैं, मतलब इतना खतरनाक उसको टॉर्चर करते हैं ना, बताऊंगा आपको मैं, मतलब उसको देख कर ना भाई मेरे खुन्नस आ गया, मतलब बहुत तगड़ा साला। औकात 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 देखने के तेरे को गांडू, तू नसीब तेरा अच्छा है, ये देख औकात दिखाता हूं। तो ये कल रात के बाद हम सो रहे थे, 9:30 बज रहे थे भाई रात के, एंड तब मुझे यहाँ पर एक कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। अब यूनो है ना, यहाँ पर कुत्ते की भौंकने की आवाज में काफी दर्द था, ठीक है, ऐसा लगा था उसको किसी ने मारा है। अब जैसे हम बाहर गए ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पर सामने हमारे घर के सामने वो कुत्ता बिल्कुल पड़ा हुआ बेहोशी की हालत में, यानी कि वो घायल है, उससे उठा नहीं जा रहा, उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। एंड यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो डॉग और कोई डॉग नहीं, हमारा पालतू डॉग ही था यार। एंड लिटरली बताऊँ, उसको देखकर मेरा दिमाग खराब हो चुका था, एंड भाई मैं जोर जोर से गालियाँ पकने लगा, ठीक है, कि कौन है बाहर आ पाया, किसने इस कुत्ते की हालत की है। तो तभी हमारे यहाँ पर महाराज बाहर निकलते, अपने दरवाजा खोलकर कांड लेकर मोटी। हाय यू नो, मैं गालियाँ बक रहा हूँ, बट सॉरी यार, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ, बिकॉज देखो यार, किसी डॉग के साथ ऐसा होना मुझे बहुत बुरा लगता है, चाहे वो मेरा पीट डॉग हो या किसी और का पीट डॉग हो। तो वो चूतिया इंसान बाहर निकलता है और मुझसे बोलता है कि क्या हो गया, एंड जैसे मैंने सुना मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया भाई, पहले उसने डॉग को मारा, फिर बाद में बाहर निकल के बोल रहा है कि क्या हो गया, मतलब ये अलग इंसान था भाई। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। और ये बात सुनकर मेरे अंदर बहुत खुन्नस आ गया भाई, मुझे लग रहा था हाले को जाकर अभी मारू, उसको 3-4 इसका बस लगा दू फटाफट, बस ऐसे जफा जफा इस पे मार के जान, जैसा लग रहा था मेरे को, बिकॉज यार इतना खतरनाक, इतना गुस्सा आ चुका था मेरे को, तो मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर रहा था। और तभी मेरी मॉम बाहर आती है, मेरी मॉम बाहर आकर उन्हें इंग्लिश के अंदर गालियां सुनने लगती है, मम्मी क्या बोल रही थी, बट कुछ ना कुछ तो बोल रही थी। अब सुनो रियलिटी, रियलिटी में क्या होता डॉग के साथ। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सपोज दैट आप अपने रूम का दरवाजा बंद कर रहे हो, दरवाजा बंद करते वक्त आपकी अंगुली दरवाजे के अंदर आ जाती है बाई चांस, तो आपको कितना पेन होता है, आपको कितना पेन दर्द सहन करना पड़ता है, लिटरली उस समय ना मेरी जान निकल जाती है, मतलब इतना दर्द होता है क्या बताऊं मैं। तो उस डॉग के साथ क्या हुआ, अब वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा डॉग उनके घर पे चला गया एंड अंदर जाकर बैठ गया, गांड का वहां पर आया एंड उसको बाहर निकालने लग गया, ठीक है, एंड जैसे उसको बाहर निकाला ना, तो यू नो आपने देखा होगा बहुत सारे घरों के पास में जो घर होते हैं ना, वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा होता है, मतलब लोहे का दरवाजा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हुआ क्या कि उस मोटे गांड ने अपने काम, मतलब फटकन क्या किया कि उस कुत्ते को ना अपने दरवाजे के अंदर बीच दिया, मतलब समझ रहे हो, यानी कि उसका पैर है ना, पैर और पैर उसका आधा शरीर है ना, मतलब आधा शरीर उधर से गया एंड आधा शरीर इधर निकल गया, यानी कि दरवाजे को बंद कर दिया,
यानी कि डॉग वहां पर खड़ा है बीच में एंड उस दरवाजे को बंद कर दिया। तो तुम सपोज डेट भाई सपोज करो कि उस डॉग को कितना पेन हुआ होगा, समझ रहे हो गाइस, कितना पेन उस डॉग को सहन करना पड़ा होगा जब वो दरवाजे के बीच में आया होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस मृत्यु गांड को अगर उसकी कोई भी हो उसका रिलेशन में अगर उसको ऐसा करे ना गाइस, ठीक है, तो उसको कितना पेन होगा, ठीक है। तो यार ये थी स्टोरी एंड भाई डॉग को तो बहुत पेन हुआ, मतलब डॉग यार 2 या 1 घंटे से बेहोश रहा, उसको भाई होश नहीं आया। और उस कुत्ते को भाई, उस कुत्ते को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे डॉग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस कुत्ते को बोल रहा हूँ जो मोटी गांड है, उसको बोल रहा हूँ भाई, उसको थोड़ी सी भी दया नहीं आई कि 5 महीने का ये मासूम है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया था वो, लेकिन उसको बेच दिया भाई उसने लिटरली। मैं क्या करूँ भाई, जब मैं वहाँ पर गया तब उसको लग चुकी मेरे डॉग को एंड वो बेहोश पड़ा था भाई। उस मोटी गांड को भाई इतना पता नहीं है कि कैसे, मतलब कैसे इतने मासूम है, 5 महीने का वो बिल्कुल मासूम, वो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं कर सकता। उस भाई उसको भाई लिटरली भाई मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई, मतलब भाई लोहे के क्योहाड़ के अंदर उसको लिटरली जकड़ दिया भाई, यू नो। कोई नहीं यार, यही था छोटा वीडियो में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि आपके आसपास जैसे बहुत सारे पड़ोसी ऐसे बहुत सारे निकबोर्स होंगे जो कि डॉग्स पर हत्या करते होंगे। तो बी सेफ, बी केयरफुल गाइस एंड अपने डॉग्स का ध्यान रखें। यही था वीडियो के अंदर एंड लाइक करना तो करो, वरना भाई मैं क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करो तो करो, नहीं भाई वरना मत करो क्या भाई। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे गाइस, ठीक है, चलो फिर बाय बाय। नीचे।